हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको पारंपरिक तरीके से बंडे की टेस्टी सब्जी बनाना बताएंगे। ये देखिए कितनी टेस्टी सब्जी बनी है बंडे की, बहुत ही लजीज होती है और ये अक्सर हर घरों में बनती है। और इसको हम एकदम पारंपरिक तरीके से बनाना बताएंगे। और ये देखिए, आपको दिख रही होगी कि कितनी लजीज सब्जी बनी है बंडे की। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पर। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी बंडे की सब्जी। इसको देखिए, सबसे पहले बनाने के लिए बंडे को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और ये बंडा जो है 500 ग्राम का है, तो आपके परिवार में जितने लोग हों उस हिसाब से आप बंडा ले सकते हैं। तो ये सब, ये इधर देखिए, मैं बंडे को पहले छील लूँगी। तो इस तरह इसको अच्छे से छील लेना है। तो ये देखिए, इसको अच्छे से चाकू की सहायता से मैंने छील लिया है। और ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से को मुझे कट कर लेना है। और यहाँ देखिए, बीच वाले हिस्से को मैं ऐसे करके मैं छोटे छोटे आलू के जैसे, मतलब जिस भी आप शेप में कट करना चाहें उस तरह आप इसको कट कर लीजिएगा। तो देखिए, अब मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करूँगी। तो ये काफ़ी ताज़ा है, देख रहे हैं आप कि इसमें सफ़ेद सफ़ेद रस निकल रहा है। तो ये सारे बंडे मेरे कट चुके हैं। और अब मैं इसको भी पानी से धो के और फिर इसको सुखा लूँगी, क्योंकि इस मुझे इसको फ्राई करना है। और यहाँ पर देखिए, मैंने गैस ऑन कर दिया है और एक कुकर रखा है। और कुकर में इस जो बंडा है उसको मैं फ्राई करूँगी। तो एक चम्मच मैं यहाँ पर देखिए, एक चम्मच मैं तेल डाल रही हूँ। और अब मैं इस जो बंडे को कट करके सुखा के रखी थी इसको मैं फ्राई करूँगी। अब देखिए, मैं बंडे को फ्राई करूँगी। ये बंडे को ये काफ़ी, मतलब चिपचिपा इसमें होता है, तो ये जब फ्राई हो जाता है तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बन। तो अब मुझे इसको फ्राई कर लेना है। मैंने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये चिपचिपा होता है तो इसको अच्छे से ही फ्राई करना होता है। इधर देखिए, मैंने दो प्याज लिया है, उसको कट कर लिया है। और ये लहसुन लिया है। और तड़के के लिए आप देख रहे होंगे कि मैंने, ये देखिए, ये दालचीनी है, लौंग है, लाल मिर्च है और तेज़पत्ता है। ये सब मैं तड़के के लिए लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, बंडा फ्राई हो रहा है। ये बंडे की सब्जी कुकर में ही बहुत टेस्टी बनती है। आप कढ़ाई में बना लीजिए, लेकिन कुकर की जो सब्जी होती है बहुत ही अच्छे से बनती है। और आप ज़रूर एक बार इस तरह ट्राई करिएगा कुकर में बनाकर। तो यहाँ पर मैं जो प्याज है, लहसुन है, इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो ये इधर ये फ्राई हो रहा है, तब तक मैं इसका एक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ प्याज और लहसुन का। तो बस देखिए, ये दिखा रही हूँ कि ये लगभग एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है, कलर अच्छा आ चुका है। और ये देखिए, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। तो बस, और इधर ये मेरा लहसुन और प्याज भी अच्छे से पिस चुका है। इसको मैंने दरदरा, मतलब पिसा, एकदम पतला नहीं। और साथ में देखिए, कुछ मैंने मसाले लिया है, ये गरम मसाला है और ये खटाई है और ये लाल मिर्च है। और यहाँ पर देखिए, हल्दी है, नमक है और तड़का के लिए जो मैंने बताया था वही है। और ये देखिए, मैंने, आप चाहे तो आमचूर भी ले सकते हैं, मैंने ये पैकेट वाला खटाई लिया है। तो ये देखिए, ये फ्राई करके मैं निकाल चुकी। और उसी तेल में मैं सबसे पहले मैं हींग डालूंगी। तो हींग आपको पता है कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो पहले मैं हींग डाल दी। और ये तड़के के लिए जो भी आप गरम मसाला लेना चाहें वो आप डाल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये लाल मिर्च भी मैंने डाल दिया है। तो बस इसको मैं डाल चुकी हूँ। और अब मैं इसमें जो प्याज और लहसुन का जो पेस्ट हल्का दरदरा पीसा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी बनती है ये सब्जी। बहुत लोग इसको कच्चे मसाले में, मतलब बनाते हैं तो उसमें सरसों डालते हैं और लहसुन और प्याज का डाल के, मतलब पेस्ट बनाते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है। लेकिन आप इस तरह भी ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है सब्जी। तो इधर देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, प्याज भी अच्छे से भुन चुका है। देखिए, नीचे से तेल छूटने लगा है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा, एक कटोरी के लगभग, एक कटोरी से थोड़ा सा कम ही पानी डालूंगी। तो ये देखिए, मैं पानी इसमें डाल चुकी हूँ। और इसको चलाते हुए मैं इसमें कुछ मसाले जो लिया था वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर अब मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर हल्दी डालूँगी।
और बहुत ज़्यादा मैंने मसाला नहीं डाला है, ये गरम मसाला है जो मैं घर पे तैयार किया है वो डाला है, लाल मिर्च है और बहुत लोग इसमें मीट मसाला डालते हैं, तो ये आपके टेस्ट के ऊपर है कि आप कितना कैसा टेस्ट पसंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्राई मेरा बंडा था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए मैं इसमें बंडा डाल दी हूँ और इसको अच्छे से मिला दी हूँ, तो ये बहुत ही अच्छे से ये सारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं। और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, इसमें ज़्यादा मतलब इसकी तरी वाली सब्ज़ी थोड़ी हल्की सूखी रहती है तभी अच्छा लगता है, तो आप जैसा पसंद करते हैं। तो मुझे तो सूखा वाला ही मतलब कम पानी इसमें पसंद आता है। और यहाँ पर देखिए मैंने खटाई डाल दिया है और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी, बहुत ही थोड़ा सा और पानी डालूंगी। तो बस देखिए इसको अच्छे से इसको कुकर को बंद कर देना है। और यहाँ पर मैं इस चम्मच को भी अच्छे से धो ले रही हूँ, बहुत थोड़ा सा पानी डालना है और पानी क्योंकि कुकर बंद करूंगी तो ये थोड़ा पानी और सूखेगा ही। तो बस मैं कुकर बंद कर दे रही हूँ और एक सीटी लगानी है, और जब कुकर सीटी दे लेगा तो फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको सीटी हटा के आपको दिखाऊंगी कि कैसी दिख रही है आप सब्जी बंडे की। तो बस मैंने कुकर का ढक्कन खोल दिया है और ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी लग रही है, बहुत ही टेस्टी बहुत ही चटपटी सब्जी ये बन लगती है। और ऊपर से मैं इसमें धनिया डाल दे रही हूँ और अब मैं इसको अच्छे से धनिया का पत्ता मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए कितनी सूखी कितनी अच्छी सब्जी बनी है बंडे की, बहुत ही लाजवाब सब्जी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये देखिए कितनी टेस्टी सब्जी है ये बंडे की फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये देखिए मैं आज जैसे पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है वो मैं आपको ये सब्जी बताई हूँ कि कैसे बनता है और ये कितनी लजीज लग रही है। और इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी, तो देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और कितनी अच्छी सब्जी लग रही है, बहुत ही टेस्टी सब्जी ये हो। इस सब्जी को मैंने बताया कि आप इसको दो मसालों के साथ बना सकते हैं, यानी कच्चे मसालों के साथ भी बना सकते हैं और उसमें आप सरसों डाल सकते हैं, और इसमें सीधे खड़े मसाले यानी गरम मसाले के साथ जो मैंने बनाया है उस तरह भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे पूरी पराठा चावल दाल किसी भी चीज़ के साथ खास खाइए, बहुत ही लजीज होती है। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये मेरी टेस्टी बंडे की सब्ज़ी ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ सोशल मीडिया पर। थैंक यू फ्रेंड्स।